वहीं मामला जालौन जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई से सामने आया, जहां फिर से आज एक मरीज ने मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 7 की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मरीज द्वारा छत से कूदने की सूचना मिलते ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनंद फानो में मेडिकल स्टाफ द्वारा इमरजेंसी लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, अभी कुछ महीने पहले ही एक मरीज ने वार्ड के बाथरूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान दी थी। फिलहाल राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को मेमो भेज दिया गया और शेष विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, आज मेडिकल कॉलेज से एक युवक ने आत्महत्या की है, क्या पूरा मामला है? अजब सिंह नाम का एक मरीज था, जो कुछ दिन पहले जिसको चोट लग गई थी, सीने में ट्रॉमा था, तो वो सर्जरी विभाग के अधीन वार्ड नंबर 7 में भर्ती था। तो अभी सूचना मिलने पे सुबह पता चला कि वो इच्छित थोड़ा था मानसिक रूप से, और वो छत से सीधा, तो उसके बाद फिर वो यहाँ इमरजेंसी लाया गया। सर्जरी विभाग के साथ में डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने उसको स्ट्रेट किया। उसके बाद शायद वो पल्सलेस था, उसके बाद उसको क्या किया था। तो फिलहाल उसके साथ में कोई परिजन नहीं होने की वजह से सर्जरी विभाग द्वारा ही पूरी कार्रवाई करते हुए पुलिस सूचना भेजी गई है, और उसका नियमानुसार जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद सारी जानकारी।